मुद्दों पर बीजेपी की खिंचाई कर दी है तो मैं पहला मौका मेरे ख्याल से अगर कोई बीजेपी की तरफ से सवाल पूछना चाहता हो तो भी उनको देना चाहिए तो रमन जी मेरे ख्याल से पूछना चाहते हैं जी ये सवाल आ, स्वामी साहब को नहीं है आपने कल गुरुग्राम का एक मुद्दा उठाया आपने क्या ये स, उसको मुद्दे को पढ़ा था तीनों व्यक्ति जो उसमें थे जिसमें दो दलित और एक मुसलमान था उसको जिसने गलत काम करा उसको गुरुग्राम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया केस कर दिया जेल में डाल दिया आप स्वभाव बिगाड़ना चाहे और आपको एक चीज हमारा प्रधानमंत्री भी दाढ़ी रखता है हमारा राष्ट्र अध्यक्ष भी रखते हैं चाहे वो छोटी है या बड़ी अलग है हमारे वेदों में ऋषियों ने मुनियों ने रखी तो ये जो आइडेंटिटी के साथ आप खिलवाड़ करना चाहते हैं थोड़ा सोच समझ के करिए आप में गुस्सा ज्यादा है थोड़ा टॉलरेंट हो जाइए मैं बता दूं रमन मलिक है भारतीय जनता पार्टी से। नहीं नहीं मैं जानता हूं सवाल करने से मालूम हुआ था कि संघ परिवार की आती है तो उनके अल्फा सुनिए तो अब आप आप अगर ये कहना क्या आपने एक टीवी का स्टिंग ऑपरेशन देखा कि किस तरह से कासिम को मार रहे थे वो मारने वाले मेरे दोस्त थे या आपके चाहने वाले थे आपने स्टिंग ऑपरेशन में देखा नहीं सुन अरे सुनिए अरे देखिए आप लीजिए सुन लीजिए देखिए टॉलरेंट आप नहीं इंटॉलरेंट आप है इनटॉलरेंट आप हैं आप सवाल कर रहे थे और मैं सबर से सुन रहा था आपको ये जो मुझमें आदत है ना वो पैदा करिए क्योंकि ये जो मेरी आदत है ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है टॉलरेंस पैदा करिए आप आज सत्ता में हैं कल नहीं रहेंगे याद रखिए गुमनामी के वादियों में बरसों फिरना पड़ेगा आपको जब कोई नहीं पूछेगा आपको सुनिए आज आप सत्ता सुनिए दूसरी बात क्या आप ये समझते हैं कि, कि किसी को दाढ़ी पकड़कर काटने से उस पर खामोश बैठ जाए क्यों खामोश बैठे बोलना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल मैं पर, अपनी आवाज उठाऊंगा मैं बोलूंगा आप जैसे लोगों से बड़ा खौफ बोलता रहूंगा दाढ़ी हम रखेंगे आप काटेंगे भी तो रखेंगे सर काटेंगे भी तो दाढ़ी रखेंगे भाई। हिंदुस्तान में रहेंगे तो अपनी मजहब पर चलेंगे इसलिए कि संविधान जिसको आप नहीं मानते गोलवालकर संविधान को नहीं माने थे गांधी के खतल के बाद मजबूरन मानना पड़ा वो संविधान मुझे इजाजत देता है आपको मूछ रखने का मुझे दाढ़ी रखने का नहीं पर असद भाई जब पुलिस पकड़ लेती है कानून हाथ में लेने वालों को जेल में डाल देती है फिर फिर क्यों राजनीति होती है फिर क्यों हो राजनीति कौन कर रहा है जिसको खतल करते हैं बेल पे निकलते हैं तो इनका मंत्री फूल का हार पिनाता है इखलाक को मारने वालों को मंत्री जाकर उनको आप नेशनल फ्लैग में खड़ा करते हैं याद रखिए कि मोदी इतना कमजोर नहीं है कि उनके मंत्री ये सब काम कर रहे हैं ये पूरा हो रहा है इसलिए हो रहा है कि 19 के लिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम गाय दाढ़ी इसी पर बातचीत होगी ये, तो ये, बोल ये बोल काम है ये तो ये तो बोल चुके खुद ही नहीं भावनात्मक मुद्दे होंगे वो तो हैं मैं ये कहता हूँ कि कई सालों से जब ये राजनीति में थे उस समय नए नए पार्लियामेंट चुन के आए थे तमिलनाडु में डीके के एक संगठन है द्राविड़ा कारगम वो ब्राह्मणों का जनेऊ काटते थे और चुटिया काटते थे तब तो आप कुछ बोले नहीं ना आपके कोई मुस्लिम नेता कोई सा, बोला सा, नहीं स्वामी साहब बोले अगर तो आज आप मुझसे पूछ रहे हैं अगर वो करता है गुनाह है गलती है अब आप जीणारू की बात कर रहे हैं है,

कोई अल्लाह को याद करता है कोई भगवान को याद करता है कोई ईसा मसीह को याद करता है तो ये जो एक भारत की डाइवर्सिटी है उसको तोड़ने की पिछले पचास महीनों में इन्होंने साजिश की है वो षड्यंत्र सिर्फ इसलिए रचा गया है मैं निरंतर और लगातार इस बात को दोहराता हूं क्योंकि उपलब्धि के नाम पर इन पर बटा सन्नाटा है अगला सवाल उपलब्धि के नाम पर की पचास महीनों में इन्होंने भारत की तरक्की कैसे की इनकी पार्टी से कोई पांच मिनट के लिए भी बहस नहीं कर सकता और क्योंकि बहस नहीं कर सकता तो हिंदू मुसलमान और ये सारे मुद्दे देश को भटकाने का अनुराग अगला सवाल ले लेते हैं अब यहाँ से जी क्या पूछना चाहते हैं आप खड़े होकर पूछिए मेरा तीनों से सवाल है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जरूरत है क्योंकि प्रगति जितनी भी हम कर लें जब तक हम जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं करते तो क्या कुछ भी हम कर पाएंगे मैं चाहता हूँ ओबीसी आप शुरुआत करें सब इसका जवाब देना देखिए यही परेशानी है सुमित आपसे हाँ क्यों? आपके दिमाग में पॉपुलेशन की बात आई तो मुसलमान नजर आ गए आपको तो यही पर देखिए मेरी लड़ाई यही है आपसे ये, ये, मेरी लड़ाई आपसे आपकी सोच से है क्योंकि हर सवाल का जवाब जनोधारू से शुरू कर रहे हैं आप जब पॉपुलेशन की बात कर रहे थे जब पॉपुलेशन की बात तो बना देंगे यही तो परेशानी है यही तो परेशानी है होना चाहिए कि नहीं सुनिए सुनिए देखिए स्वामी साहब इकोनॉमिस्ट हैं हमारे पास अब जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है अगर ये सरकार पांच साल में उस डेमोग्राफिक डिविडेंड को सही इस्तेमाल करती जो सिर्फ ट्वेंटी थर्टी तक लास्ट करने वाला है तो हम चाइना से आगे बढ़ जाएंगे मगर आप नहीं इस्तेमाल कर रहे उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड ये एडवांटेज है हिंदुस्तान के लिए जो किसी भी देश के लिए दुनिया में नहीं है बढ़ती पॉपुलेशन ये, जो ये, जो ये ऐसे ना, ये, है। बिल्कुल डिविडेंट है देखिए अब रहा सवाल पॉपुलेशन का कि कौन कितने बच्चे पैदा करेगा कौन शादी नहीं करेगा कौन शादी करने के बाद भी बीवी को घर में नहीं रखेगा ये तो पर्सनल मैटर्स है सर इसमें मत जाइए वरना बात खुलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी मनीष नहीं मेरा वो कह रहे होना चाहिए नहीं नहीं नहीं, नहीं वो कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण नहीं, था, नहीं, था, नहीं मैं, होना मैं, चाहिए मैं ये कह रहा हूं कि ये आप किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते और जो अगर आप 2011 का सेंसस देखेंगे तो मुस्लिम कम्युनिटी का भी जो ग्रोथ है वो कम हुआ है और 2030 तक मुस्लिम कम्युनिटी का ग्रोथ रेट हमारे हिंदू भाइयों की तरह हो जाएगा सॉरी आखिरी बात आखिरी बात मुसलमानों की आबादी अगर हिंदुओं के बराबर हो तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं हो रही है, है।, है। पॉपुलेशन को माना जाता है साहब आप जब पहला सवाल मुझ पे डाल दिए तो आप इतना मैं समझ जाऊँ ना इस सवाल कह रहे सर इस सवाल के पीछे बहुत से पर्दे हैं तो मैं चंद पर्दों को हटाया हूँ देखिये मैं नहीं नहीं मैं मैं एक मिनट एक मिनट मैं मैं, मैं, मैं मैं भी बोल रहा हूँ मैं मैं पर्दों को हटाते हुए साफ साफ आप जवाब देता हूँ देखिए इस देश में जरूर इस बात की जरूरत है कि जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण लगे उस नियंत्रण वो कानून से लगना चाहिए कि वो शिक्षा बढ़ाने से लगना चाहिए इसके ऊपर व्यापक चर्चा की जरूरत है हमने कोशिश की थी एक समय कि Uh, कानून के माध्यम से सरकार के माध्यम से इसको नियंत्रण में लाया जाए वो कोशिश नाकाम हुई और उस कोशिश को लोगों ने नकार भी दिया तो इसलिए एक संवेदनशील मामला है इसके ऊपर एक व्यापक बहस की जरूरत है पर मैं इस बात पर बिल्कुल इतफाक रखता हूं कि भारत को अपनी जनसंख्या को नियंत्रण में लाने की जरूरत है आपका ठीक आपकी पार्टी का ठीक अब पहले तो सही आंकड़े दे देता हूं दो हजार यानी उन्नीस में जब पहली सेंसेस uh, आज़ादी के बाद मिली uh, रखी गई उसमें uh, जो औसत में हमारी ग्रोथ रेट थी uh, वो 2.4 परसेंट पर ईयर था थी। और वो उसके बाद घटते घटते आई है ये बात सही है कि हिंदुओं का थोड़ा तेजी से घटी है अनुपात में और मुसलमान का थोड़ा स्लोअर है अब उस कारण से कई डिबेट्स आए हैं कि मुस्लिम संख्या ज़्यादा हो गई है वो परंतु तो ये भी मैं जो कहूँगा कि केरल और तमिलनाडु मुसलमान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो उत्तर प्रदेश के हिंदुओं से कम है तो ये क्यों फ़र्क है मुसलमानों में भी तो ज़्यादातर जो किसी ने कहा कि शिक्षित हो जाते हैं और फिर उनको लगता है कि मौका ज़्यादा मिलेगा यदि हम अपने बच्चों को पूरा शिक्षा देंगे तो फिर वो अपने आप यानी जितने बच्चा पैदा करें उसको कंट्रोल करते हैं तो आज मैं ये समझता हूँ कि कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए वो फेल होगा चलेगा नहीं और इतना भी दूर नहीं जाना चाहिए जैसे चाइना चले गई वन वन चाइल्ड पर फैमिली और आज पछता रही है और उन्होंने अभी उस पॉलिसी को कैंसिल किया और हम यहाँ भी हो जाता परंतु इमरजेंसी में हमारी जनता ने इनकी पार्टी को दो थप्पड़ दिया फिर ठीक हो गए और उसके बाद ये परिवार नियोजन का जो बात पहले चलाते थे वो रुक गया नसबंदी ये सारी जो। तो मैं ये हाँ मैं ये कहूँगा कि आज पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान देने की जगह में कैसे हम इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पैदा करते हैं उतने टीचर्स भी पैदा करते हैं कि लोग को अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिले उसमें से कंट्रोल ठीक से होगा नहीं तो इसमें भ्रष्टाचार और अन्याय ही होगा मुझे वाइंड अप करना कुछ बोलना चाह रहे चलिए तो इसका चुनाव राम के नाम पर ही लड़ा जाएगा मेरी राय में 2019 हजार चुनाव राम टेम्पल बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई इस पर लड़ी जाएगी मैं ये उम्मीद करता हूँ या अपेक्षा करता हूँ कि इस साल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा ये आप आदेश दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को हम राय देंगे तो उसको आदेश मानोगे तो मैं क्या करूँ आपकी गुलामी की मजबूरी है मेरे ख्याल में <laughs> मनीष जी क्या राम के नाम पर ही दो का चुनाव लड़ा जाएगा जैसा कि स्वामी जी साफ इशारा कर रहे हैं देखिए बड़ी विडंबना है 2014 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास पिछले 50 महीनों की कहानी यह है कि ना सबका साथ ना सबका विकास अपना कोई विकास हुआ होगा तो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता सवाल यह है कि 2019 के चुनाव पे जो वायदे भारतीय जनता पार्टी ने किए थे उस कसौटी पर उनको कसा जाएगा क्या हुआ उन पंद्रह लाख रुपए का जो खातों में जमा करने थे क्या हुआ वो दो करोड़ नौकरियों का जो एक साल में मुहैया करवानी थी क्या हुआ बाकी उन वायदों का जिनके ऊपर आपने वोट बटोरे थे तो गुमराह करने की ज़रूर कोशिश की जाएगी पर जनता बहुत संजीदा है और जो इनका पिछले पचास महीने की तब तक साठ महीने हो जाएंगे वो कारगुजारी रही है उसके ऊपर चुनाव होगा ज़रूर उसमें बहुत सारी बात चलेगी संवाद होगा पर लोगों को मालूम है कि, कि किस चीज़ के ऊपर कौन सा ऐसा ठोस मुद्दा है जिसपे निर्णय लेना है तो स्वामी जी कह रहे हैं राम के नाम पर चुनाव होगा मनीष कह रहे हैं राम नहीं काम के नाम पर चुनाव होगा ओवैसी जी आपकी क्या राय है राम किन रहीम बीजेपी के लिए बहुत आसान ये है कि राम मंदिर के मसले को उठाया जाए बीजेपी के लिए बहुत आसान है कि पंद्रह लाख की जगह चालीस लाख का जिक्र कर दें बीजेपी के लिए बहुत आसान है हिंदू मुस्लिम कर दो बीजेपी के लिए बहुत आसान है कि गाय को इशू बना दो जो सिपाही हमारे मारे जा रहे हैं उसको इशू मत बनाओ बीजेपी पूरी कोशिश करेगी कि यह बताया जाए कि किस तरह से हमने हलाला ट्रिपल तलाक ये सब ध्यान भटाओ चीज़ें हैं पर बीजेपी यही नहीं बताएगी कि हमारे जो डिफेंस का बजट है जिसके मुरली मनोहर जोशी स्वामी साहब के करीबी दोस्त हैं उन्होंने लिखा कि हमारा डिफेंस पेंडिंग 62 के लेवल पर चला जा चुका है तो इन चीजों पर बीजेपी कभी नहीं बात करेगी और अफसोस यह है कि बीजेपी के साथ तो बड़े बड़, बड़, बड़े मीडिया भी आजकल हैं अगर उनकी पॉलिसी तय नहीं करेंगे तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाता है तो नहीं मालूम क्या होगा तो आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दों पर बात नहीं करना चाहती है बीजेपी को जवाब देना है स्वामी साहब मेरे ख्याल से इन दोनों बातों से तो आप भी काफ़ी हद तक मानेंगे क्योंकि आप खुलकर बीजेपी का विरोध भी करते रहते हैं बीजेपी की नीतियों नहीं लोकतंत्र पार्टी में ये हो सकता है इनके पार्टी में नहीं हो सकता और उनके तो सवाल ही नहीं जब होता है हमारी पार्टी में जब मुझे रास्ता दिखाना आवश्यक है और कई बातें मैं कहता हूँ बाद में प्रधानमंत्री मान लेते हैं जैसे जी एस टी एन का मैंने बहुत सख्त विरोध किया कि इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो बनाना नहीं चाहिए और जेटली ने माना नहीं आखिर में प्रधानमंत्री ने वही किया जो मैंने कहा तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं तो इसीलिए लोकतंत्र में ये होना चाहिए परंतु तो इमरजेंसी से आप अभी भी उस मुसीबत से बाहर निकले नहीं हैं उसी भयभीत में हैं कि पार्टी के खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहिए पार्टी का खिलाफ का सवाल नहीं ये विषय का है मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने जो मुद्दे बाहर निकाले उसका कोई महत्व नहीं है जो विकास की बात करते हैं मैंने प्रधानमंत्री को भी ये कहा है कि नरसिम्हा राव ने सबसे ज़्यादा विकास किया और वो चुनाव बुरी तरह हारे उनकी पार्टी का स्ट्रेंथ आधा हो गया वाजपेई ने इंडिया शाइनिंग पर लड़े वहाँ भी पार्टी का स्ट्रेंथ आधा हो गया मोरारजी देसाई भी एक बटा दस हो गया था हमारे स्ट्रेंथ तो कई ऐसे भावना के इश्यूज़ होते हैं जिसमें लोगों को एक आ, आशा है कि हम उस पर कुछ करेंगे तो इस आप, देश में देश में जो खतरा है और जो हिंदुत्व के साथ प्रहार हो रही है सारा दुनिया में से जो शक्तियां लगे हुए हैं इसको बदनाम करने के लिए उस इश्यू पर निश्चित तौर पर हम तो, आप पब्लिक के सामने तो आप, आप, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं मैं चाहूंगा सब जवाब दें कि विकास के नाम पर चुनाव जीते नहीं जाते हैं चुनाव जीतना है तो भावनात्मक मुद्दे होने चाहिए इसीलिए राम मंदिर को आप उठाना चाहते हैं इसीलिए आप चाहते हैं कि दिसंबर तक राम मंदिर आ जाए ताकि 19 में आपकी लड़ाई आसान हो जाए एम आई राइट बिल्कुल सही है साहब भावनात्मक मुद्दे पर लड़ेंगे नहीं स्वामी साहब ने ये भी कहा कि वो जो भी बात कहते हैं प्रधानमंत्री उनकी बात को सुन भी लेते हैं देर से सुनते हैं पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि चार साल क्यों लग रहे हैं प्रधानमंत्री को इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने के लिए तो ये ये समझ में नहीं आ रहा है और दूसरी बात यह है कि देखिए इसमें कोई बात छुपी भी नहीं है बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इमोशनल इश्यूज़ पर इलेक्शन लड़ा जाए और मुझे पूरा यक़ीन है कि आने वाले चुनाव में रीजनल पार्टीज़ बीजेपी को हराएंगे और चाहे वो उत्तर प्रदेश हो महाराष्ट्र हो बंगाल हो तेलंगाना हो आंध्रा हो तमिलनाडु हो ये तमाम मकाम पर बीजेपी पीक कर चुकी है और इस यहाँ से बीजेपी का ग्राफ गिरने वाला है और अवाम बेचैन है अब ये चलने वाला नहीं कि दो हजार चौदह में एक गुस्सा था कांग्रेस के ख़िलाफ़ वो अब बाकी नहीं रहा अब रीजनल पार्टीज़ को बहुत बड़ा अच्छा मौका है और बीजेपी रीजनल पार्टीज को टैकल नहीं कर सकती स्वामी साहब और मोदी ये पूरी कोशिश करेंगे कि मुकाबला मोदी और कांग्रेस के प्रेसिडेंट के दरमियान में हो जाए अगर वैसा होता है तो फिर वो अलग बात है मगर मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि स्वामी साहब अगर ये समझ रहे हैं गाय के नाम पर उनको वोट मिलेगा अखलाक को मार कर वोट मिलेगा अकबर खान को मार कर वोट मिलेगा और फिर अगर इनके मंत्री जाकर मारने वालों को फूल पहनाएंगे उसके नाम पे वोट मिलेगा तो अगर ये जीत भी जाएंगे खुदा ना खास्ता तो हार जाएंगे ये हार जीत नहीं होगी देखिए मुद्दों पर यकीन इलेक्शन होगा और ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं बीजेपी हमेशा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि इमोशनल इशूज पर जीत जाएंगे ये नहीं है दो हो उन्नीस हो हिंदुस्तान की अवाम अब दोनों नेशनल पार्टी इसको देख चुकी है अब तीसरा उनके पास जो महाज है उसको पसंद करेगी। तीसरा मतलब उस, है, इधर है कि उधर है नहीं मैं दोनों में नहीं हूँ बाहर तो आप हूं मैं। टीम भी है मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैं हिंदुस्तान का एक पॉलिटिकल दलित हूँ और मुझे फखर है इस बात का मनीष जी क्या ये बात मानेंगे कि 14 में कांग्रेस के लिए गुस्सा था इसलिए मोदी जीते क्या वही गुस्सा 19 में मोदी के लिए है कि ताकि विपक्ष का कोई नेता जीते देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि 2014 में आ, यूपीए को 10 साल हो गए थे और आ, यूपीए के खिलाफ जिस तरह के मनगढ़ंत मुद्दे बनाए गए थे जो मुद्दे अदालत में टिक नहीं पाए उनको लेकर लोगों में एक रोष था और एक आ, जनभावना ऐसा जनमानस बना था कि यूपीए को बदल के किसी और को मौका दिया जाए और इसीलिए श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को भारत के लोगों ने मौका दिया पर 2014 में श्री नरेंद्र मोदी ने या भाजपा ने ये बात नहीं कही थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे उन्होंने ये बात नहीं कही थी कि हम इस देश में गाय के नाम के ऊपर धार्मिक ध्रुवीकरण करेंगे उन्होंने क्या कहा था कि हम सबका साथ देंगे सबका विकास करेंगे पंद्रह लाख रुपए आपके बैंक अकाउंट में जमा करेंगे दो करोड़ आपको नौकरियां देंगे तो जो सारा प्रचार किया गया था वो सारा प्रचार विकास के मुद्दे के ऊपर किया गया था और उस मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को दो सीटें भारत के लोगों ने दी अब पिछले पचास महीने की जो कहानी है कि उस विकास को तो उन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया और ये कोशिश की कि, कि किस तरह से पहले दिन से ही इस देश में कटुता इस देश में सांप्रदायिकता इस देश में धार्मिक उन्वाद किस तरह से फैलाया जाए पर वो चलने वाला नहीं और उसका मैं एक उदाहरण आपको देता हूं छ दिसंबर उन्नीस को बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई सितंबर उन्नीस में उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी सरकार समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर बनाई थी और उन्नीस से लेकर 2018 तक 25 साल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी तो जो लोग ये मानते हैं स्वामी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। सरकार तो बन गई थी एक बारी एक राज्णाग बारी राजनाथ सिंह जी बीएसपी के समर्थन में कुछ देर के लिए मुख्यमंत्री रहे थे उसके अलावा तो जो लोग ये मानते हैं कि इस देश में विकास के ऊपर वोट नहीं मिलते मैं उस राय से इत्तेफाक नहीं रखता मेरा यह मानना है कि ये देश बहुत तरक्की कर चुका है पैसठ प्रतिशत इस देश में जो लोग हैं वो पैंतीस वर्ष से कम हैं और वो सांप्रदायिकता की सियासत नहीं चाहते हैं वो विकास की स्वामी, सियासत जी, चाहते हैं। स्वामी जी आपको जवाब देना होगा क्योंकि आप विकास के नाम पर का चुनाव जीतते हैं और विकास को पीछे छोड़ के अब राम के नाम पर वोट मांग रहे हैं भावनात्मक मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं ये तो पहले ही हार आपने कंसीड कर ली <laughs> मैं मानता नहीं हूँ जो आप कह रहे हैं हम विकास पर नहीं जीते थे तीन मुद्दे पर जीते थे उससे सबसे छोटा विषय था विकास का अन्य विषय थे भ्रष्टाचार उन्मूलन और हिंदुत्व ये मुख्य विषय थे हमारे लिए और इसीलिए लोगों ने जाति से ऊपर उठकर हमें वोट दिया और हमारी वोट पहली बार इतिहास में हमारे इतिहास में 21 परसेंट से 31 परसेंट हुई थी और एनडीए के साथ और 8 परसेंट जुड़ी तो हमारी एब्सोलूट मेजॉरिटी मिली अब इन्होंने अभी जो बात कही अब कांग्रेस के दिग्गज नेता से अब दर्शक बन गए हैं ये बोल रहे हैं कि 2004 दो हजार से 2018 से एक भी एक बार और यह नाइनटीन से कहा था आ, एक बार भी इनके बीजेपी की सरकार नहीं बनी मैं कहता हूँ कांग्रेस की भी नहीं बनी तो ये वह मायावती ने कर लिया और मुलायम सिंह ने कर लिया उसके उसके लिए श्रेय लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि मायावती और मुलायम सिंह यादव इनको कभी इनके नेतृत्व तो मानेंगे नहीं एक बार सोनिया गांधी ने प्रयास किया था 1999 में उस समय मुलायम सिंह ने कहा मैं कभी नहीं मानूंगा इनको तो कांग्रेस पिछलुगु बन के इस चुनाव में रहनी चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है परंतु ये अधिकार पूर्वक बोल नहीं सकते मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार में हमने बहुत आगे कदम अब उठाई है पहले एक दो साल हमारे लिए प्रॉब्लम थी क्योंकि इनके लोगों के जो मित्र हमारी पार्टी में थे उन्होंने बहुत गड़बड़ की थी अब बीमार पड़ गए तो फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो गया है तो मैं ये कहता हूँ कि आ, इनके सारे नेता अब बेल पर आ गए हैं और मोडी ने कहा सब बेलगाड़ी चली गई तो तिहार विहार के तरफ जा रही है और चुनाव आने तक इनके सारे नेता जेल में होने वाले हैं ये मैं भविष्यवाणी करता हूँ और 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 मैं ये कहता हूँ कि वो जो मुद्दे हैं भ्रष्टाचार उन्मूलन और हिंदुत्व इसी पर जोर दिया जाएगा इस चुनाव में भी ये ये कैसा हिंदुत्व है जहाँ एक गौरशन को मार दिया एक एक मिनट स्वामी जी ने बहुत गंभीर बात की है इन्होंने ये कहा है कि हम राजनीतिक द्वेष की जो सियासत है उसको ऐसे अंजाम पर लेके जाएंगे कि हम कोशिश करेंगे कि सारा विपक्ष 2019 में सलाखों के पीछे हो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं स्वामी जी सारे विपक्ष को जरूर सलाखों के पीछे डाल दीजिए और याद करिए कि 1977 में जॉर्ज फर्नांडिस किस तरह से चुनाव जीत के आए थे मैं आपको आज चुनौती देना चाहता हूं डाल के देखिए सारे विपक्ष को आप सलाखों के पीछे और 2019 का अंजाम देखिए और आपने भ्रष्टाचार की बात की मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं आपके प्रधानमंत्री जी तो उसका जवाब नहीं देते रफेल कितने में खरीदा है <laughs> रफेल जहाज आपने कितने में खरीदा है आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं आप संसद को ये बताने के लिए तैयार नहीं है आप तो इतने अनुभवी सांसद रहे हैं पांच बार आप संसद के सदस्य रहे हैं छह बार ही रहे हैं आप ये जानते हैं कि लोगों के पैसे से जो चीज खरीदी जाती है उसका सी ऑडिट करता है सी के ऊपर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ओवरसाइट एक्सरसाइज करती है उसके बाद लोकसभा के पटल पर बात रखी जाती है आप अगर भ्रष्टाचार पे इतने पाक साफ हैं तो आप रफेल कितने में खरीदा है उसकी कीमत बताने से क्यों घबरा रहे हैं इसका जवाब दे जी, जी आप। uh, अन्य चीजों का नहीं बट ये जो लेटेस्ट है रफेल रफेल हाँ ये ये इनको इनके गला में अटकने वाली है इसीलिए मैं उठा रहा हूँ मैं ये कहता हूं कि नेशनल हेरल्ड में मैंने कोई सरकार से नहीं मदद मांगी मैंने जाकर इनकी राज्य में दो मैंने प्राइवेट कंप्लेन फाइल की टू जी में भी मैंने ऐसा ही किया तो मैं ये कहता हूँ कि इतने बड़े बड़े वकील हैं उनमें मैं तो वकील भी नहीं हूँ और ये दुनिया भर के सारे जो वकील हमारे दुनिया में जो प्रतिष्ठित हैं उनके इनके पार्टी में हैं और इनका एक भी किसी को ये सामर्थ्य नहीं है या काबिलियत नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करें इनके पास कोई जानकारी ही नहीं है एक बोला कि सीक्रेट नहीं है तो फ्रेंच प्रेसिडेंट ने इनको खंडन कर दिया अब फिर दूसरा लेकर आते हैं मैं कहता हूं कि आपको हिम्मत है आपके पास वास्तव में जानकारी है रफेल के बारे आप जाकर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए या माफ़ी मांगिए इस देश को झूठ बोलने के लिए मैं मैं आ, कम से कम स्वामी साहब ने एक इशारा तो दे दिया है कि रफेल में कुछ है आप आप भी इसीलिए इसी स्वामी साहब कह रहे हैं कि मैं नहीं जाऊंगा आप जाइए आप जा रहे हैं नहीं स्वामी साहब ने हम स्वामी साहब ने इनडायरेक्टली कह दिया कि रफाइल में कुछ मसाला है मैं नहीं जाऊंगा आप जाइए स्वामी साहब रास्ता दिखा रहे हैं मनीष साहब को कि आप जाइए कोर्ट को इसमें कुछ निकल जाएगा तो ये 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 आपको पकड़ना चाहिए देखिए स्वामी साहब गैर जिम्मेदारी बात नहीं करते सर आप हिंदुत्वा की बात कर रहे हैं ये कभी ऐसा हुआ है कि एक कैबिनेट में एक पार्टी है और नो कॉन्फिडेंस में बायकॉट करते हैं और वो भी हिंदुत्व पार्टी है शिवसेना ये कौन सा हिंदुत्व है सर आप देखिए इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि उन्नीस में आपकी टाइम टाइम फिश होने वाली है है और ये नहीं चलने वाला देखिए उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में जो एक सीटें हैं मुझे पूरा यकीन है कि कम से कम 70 से 80 सीट बीजेपी की कम होने वाली है वहां पर अब हमारी ये काबिलियत होनी चाहिए नॉन बीजेपी की है, वो कैसे इनको 150 तक लाए ये ये काम है अगर ये कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला होगा तो फिर बड़ा मुश्किल होगा रीजनल पार्टीज सब एक होंगी और वो करेंगे तो ये देखिए आप शिवसेना आपसे काउंटर क्वेश्चन है साहब आप कह रहे हैं कि नाम इनके साथ है नाम उनके साथ है जब आप कहीं खड़े ही नहीं हो रहे नहीं, और ऐसी कई पार्टियां हैं जो तीसरी टांग बनना चाह रही हैं तो तो डिसबैलेंस होगा ना नहीं नहीं होगा नहीं होगा आप समझ रहे हैं सेवेंटी में जो हुआ था वो उसके बाद फिर 90s में भी हुआ आप राहुल गांधी कर देते हैं संसद में जाके सात घंटे की बहस के बाद कॉन्फिडेंस बिल, बिल, ये कहा मतलब ये नहीं है कि अगर, अगर मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा तो मैं सेकुलर नहीं हूं ये तो नहीं चलेगा ना आपने नहीं बिल्कुल मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं रहूंगा और बोलता रहूंगा मगर इसका ये हरगिज मतलब मत निकालिए कि हम मोदी को नहीं चाहेंगे कि मोदी हार जाए हम चाहेंगे मोदी हार जाए मैं आपसे कह रहा हूं कि कांग्रेस बना में मोडी मुकाबला होगा तो ये मुकाबला सही नहीं होगा मुकाबले में मजा उस वक्त आएगा जब तमाम रीजनल पार्टीज मोदी तो से मुकाबला करें मोदी पर महागठबंधन होना ने, चाहिए मिसाल गठबंधन में तो आप नहीं है पंद्रह सत्रह पार्टियों में सर, भी आप नहीं दिखाई दे सर, देते सर हैं। छोड़ दीजिए ना मैं एक फौज का सिपाही हूँ जो मेरा मकसद है कि बीजेपी को हराना मैं कोई के पीछे जाने वाला नहीं हूं ना मुझे लाल लाइट की जरूरत है साथ खड़े हो जाइए ना शक्ति दीजिए राहुल गांधी को मायावती को सर माया मायावती राहुल के साथ खड़े रहे नहीं साथ है क्या वो मैं इस बात को नहीं मानता

तो देखिए ये बहुत आसान बात है कि किसी पर डाल देना मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं मैं लड़ूंगा इलेक्शन इलेक्शन लड़ना तो मेरा राइट है क्योंकि मुझे डेमोक्रेसी में भरोसा है और उसको मैं स्ट्रेंथन कर रहा हूं आज नहीं जीता हूं कल जीतूंगा अब तेलंगाना में कांग्रेस तेलंगाना देकर हार गई तो आप मुझे जिम्मेदार देंगे आंध्रा में इनका कोई इन, अब तो ना बीजेपी का झंडा उठाने को तैयार है आंध्रा में तो ये इसको मत जाइए यकीनन मैं कह रहा हूं कि रियलिटी है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होगा तो मुश्किल होगा मनीष क्या महागठबंधन में ओवैसी साहब की पार्टी का ना आना आपको लगता है कि ये आपके प्रोस्पेक्ट्स में डेंट मारेगा देखिए ऐसा है कि सुमित आज अगस्त 2018 है जी और अगर इन्होंने घबराकर चुनाव जल्दी नहीं करवा लिया तो मार्च 2019 में कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगेगा ठीक अगस्त से लेके मार्च तक जिस तरह का ध्रुवीकरण होगा इस देश में एक बात बिल्कुल तय है कि कोई राष्ट्र स्तर पे महागठबंधन नहीं बनने वाला पर हाँ प्रदेशीय स्तर के ऊपर जितनी पार्टियाँ जिनकी सामान्य सोच है उनमें सीट एडजस्टमेंट होगी और मेरा यह मानना है कि ओवैसी साहब का आ, जो भी सियासत रही है पर 2019 को मद्देनजर रखते हुए तो जो वो ध्रुवीकरण होगा उसमें ये भी शामिल रहेंगे क्योंकि एक बात बिल्कुल तय है कि आप अगर जो धार्मिक ध्रुवीकरण और सांप्रदायिकता की सियासत है उसको एक तरफ छोड़ दीजिए और सिर्फ अगर इस सरकार को जो इन्होंने वायदे किए थे अपने चुनाव घोषणा पत्र में ये बात दूसरी है कि पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले इन्होंने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था अगर उस कसौटी पे भी आप इनको कसिए तो 2019 में इनको सरकार में आने की कोई नैतिकता नहीं <laughs> तो इसलिए यह बहुत जरूरी है कि पिछले पचास महीने की पचपन महीने की जो सियासत रही है और जिस तरह से इस देश को इन्होंने पिछाड़ा है उसका हिसाब इनको 2019 हजार चुनाव में जरूर देना है और अब तो इनके खुद के मंत्री उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया है जब गडकरी जी से सवाल पूछा गया तो गडकरी जी ने कहा कि नौकरी कहाँ है तो, तो इसलिए जब श्री नितिन गडकरी जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और शायद इस सरकार में एक ऐसे मंत्री माने जाते हैं जो श्री नरेंद्र मोदी के सामने बोल सकते हैं अगर वो खुल्लम खुल्ला इस बात को स्वीकार करते हैं कि भाई जो हमने वायदा किया तो तो वायदा बिल्कुल गलत ये तो बोला है। इस मुल्क में नौकरियां है ही नहीं गडकरी जी ने अपनी फेलियर का और क्या एडमिशन हो सकता है स्वामी जी मैं, सफाई। मैंने जो टेप सुना है उसमें गडकरी ने कहा है कि ये लोग जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं वो तो सरकारी नौकरी में ही मिलती है और सरकारी नौकरी में उस हिसाब के उस उस अनुपात में नहीं है और इसीलिए ये आज के परिस्थिति में रिजर्वेशन मांगना का कोई आधार नहीं है उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा देश में सारा देश में तो रिजर्वेशन है ही नहीं प्राइवेट सेक्टर में तो है ही नहीं तो वो बात कह रहे थे उसको आप लोग तो ने प्राइवेट किया किया दस लाख भी नहीं आ पा रही मैं आलोचक हूँ इसमें तो मुझे मत पूछे परंतु मैं इसको महत्व नहीं समझता हूँ कि जो नौकरी है नहीं हो उस पर चुनाव नहीं लड़ाई जाएगा मैं बता रहा हूँ दूसरा है जब आपकी हम, ये बातें बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगी क्या आप कह रहे हैं कि बीजेपी, को नुकसान तो बीजेपी बोले बोलकर क्यों तकलीफ हो रही है ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ हिंदुत्व के माने हिंदू की सिर्फ नहीं पर स्वामी जी मैं एक मिनट सुन लीजिए मुस्लिम समाज में भी क्या हुआ है आजकल महिलाओं के साथ जाकर बात करिए वो सब ये ट्रिपल तलाक के बाद सब हमारे पक्ष में हो गए यही एक पार्टी है जो कर सकती है ये शिया हैं इनके सुनी से पूछिए कि शिया सुनी कभी एक हो सकते हैं कभी नहीं हो सकते जैसे सारा लखनऊ में जो शिया है वो बीजेपी को वोट दे रहा है और दिया है अभी तक तो जो इनकी कांग्रेस की स्ट्रेटजी थी कि माइनॉरिटीज को यूनाइट करो और मजॉरिटी को डिवाइड करो जाति पर भाषा पर इस पर उस पर हमने उल्टा कर दिया हमने मेजोरिटी को यूनाइट कर दिया और को डिवाइड कर दिया इस माइनॉरिटीजी से हम जीत रहे हैं फेवर में है में, पहले तो डाइल्यूट नहीं किया अच्छा जिस जो फैसला उन्होंने दिया हाँ। उसके लिए मैं व्यक्तिगत पक्ष में हूँ हाँ। उन्होंने कहा कि सात दिन के अंदर तो तो सुन लीजिए आप ये नहीं नहीं आप दोनों तरफ की बात नहीं कर सकते मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा था कि तुरंत अरेस्ट कर मत करना सात दिन के अंदर करना थोड़ा पता कर लीजिए किसी ने अपने दुश्मन से ए, नहीं ए, ए, मेरे साथ ही इसी एक्ट पर जयललिता ने एक बार वारंट जारी कर दी थी मैंने इतना ही कहा था कि एलटीटी दुनिया में पराया बन गया उसको अंग्रेजी में पारिया शब्द है उसका स्पेलिंग परिया का पराया का है पराया माने शेड्यूल कास्ट तो इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने शेड्यूल कास्ट को बदनाम किया उन्होंने वारंट जारी कर दिया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था मैं कहता हूं कि कई ऐसे केसेस हैं जहां ये शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की जो एक्ट है उसमें लोगों ने अपने बदला लेने के लिए एफआईआर दर्ज करते हैं और तुरंत अरेस्ट आप, हो जाते हैं सोनी साहब आपने बड़ी हेडलाइन दे दी है कि आप एससी एसटी एक्ट के फे, फेवर में नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नहीं नहीं सुनिए सुनिए नहीं नहीं आपने दाढ़ी नहीं सुनिए 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 आपने आप ने आपने कहा कि एससी एसटी एक्ट की जो स्पिरिट है ना वो उसका एफ आई आर है इमीडिएटली स्पिरिट उसके हाँ देखिए तो उस एग्जैक्टली तो, exactly, आप सही कह रहे हैं यानी आप उसके खिलाफ हैं सेक्शन एटीन देखिए मैं स्वामी साहब के अंदर स्वामी साहब सुनिए जो सरकार कल जो स्वामी साहब सुनिए कल जो लोकसभा में सरकार अमेंडमेंट लाई वो सेक्शन 18 का लाई नंबर वन सेकेंडली कल जो लोकसभा में हुआ मैं आपको मुबारकबाद देता हूं दैट वॉज योर शाबानो मोमेंट वो तो आपका शाबानो मोमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आपने अपनी ताकत की बुनियाद पराग बनाया अब आप मेरे को बताइए कि ना आप ना ये उस वक्त शाबानो में मुसलमानों से मोहब्बत थी नहीं थी ना आपको दलितों से आपको सिर्फ महज वोटों की सियासत कर रहे हैं और ये बात समझ लीजिए कि सेक्शन 18 ये तो मेन चीज है साहब स्वामी और एटीन को निकाल दो मनीष नहीं मुझे एक बात नहीं समझ आ रही अभी ओवेसी साहब कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी डॉक्टर स्वामी की बात सुनते हैं कभी देर से सुनते हैं अब डॉक्टर स्वामी साहब ये कह रहे हैं कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला था एस सी एस एक्ट को लेके वो बिल्कुल सही था सरकार उसके ऊपर संशोधन लेके आ रही है तो मैं स्वामी जी से पूछना चाहता हूं आप सरकार के संशोधन के साथ हैं कि सरकार के संशोधन के खिलाफ है नहीं कल राज्यसभा में वोट देंगे नहीं देंगे वोटिंग राज्यसभा में बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा वोट के बाद मैं बात सोच कर करूंगा कि तुम्हें तो शक्ति मिलेगी मैं वोट बीजेपी के नहीं, नहीं, कर नहीं करूंगा सर आप, आप, सर, आप बीजेपी में रहिए हम खुश हैं देखिए आप स्वामी जी प्रश्न है देखिए आपने कहा है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि जो उच्चतम न्यायालय का फैसला है वो सही है आपकी पार्टी उच्चतम न्यायालय के फैसले से इत्तेफाक नहीं रखती श्री रविशंकर प्रसाद जो आप अभी थोड़ी देर पहले बखान कर रहे थे उन्होंने लंबा चौड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इसके ऊपर तो अगर आप व्यक्तिगत तौर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को सही मानते हैं तो क्या आप संशोधन के खिलाफ मत देंगे या नहीं ये बुनियादी सवाल है वो तो मैं तय करूंगा ऐसे कितने लोग हैं अभी मैं ये तय करूंगा कि आज के परिस्थिति में दुष्ट लोगों के लिए ये शक्ति मिलेगी मैं विरोध करूंगा तो <laughs> मैं नहीं मैं तो आखिर में स्वामी जी कितने लोग तो हैं बीजेपी में भारत और रामायण पढ़ी है जहाँ कई ऐसे फैसला हुए हैं आपने चाणक्य नीति आप कहिए चाणक्य नीति कोई भी परंतु कई ऐसे फैसला हुए हैं जहाँ जैसे राम पेड़ के पीछे छिपकर बाली को मारा था अब वो अनैतिक था और लक्ष्मण ने कहा भी और राम ने उसके लिए एक एक्सप्लेनेशन दी थी यदि मेरी कोई ऐसे एक्शन से कांग्रेस को या आ, हमारी ओ को भला होगा मैं वो एक्शन नहीं करूंगा अनैतिक होगा भी ऐसे कितने लोग हैं आपकी पार्टी में जो आपकी राय से सहमत मैं स्वामी जी की बहुत इज्जत करता हूं पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं क्या ये फिर अवसरवादी राजनीति नहीं है ये अवसरवादी नहीं, नहीं है नहीं, क्या ये अवसरवादी राजनीति नहीं है आप क्या आप, इमरजेंसी में कुछ बोलते तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके कुछ सिद्धांत है उस समय तो आपने पूरा साथ दिया और बाद में आकर कहा कि ये गलत हुआ है ऐसे ही सिखों का जो नरसिंग हार हुआ उसमें भी आपका ये दो पहले वो एक बात कही और बाद में दूसरी बात कही मैं एक ही बात कह रहा हूँ स्पष्ट कह रहा हूँ कभी मुझे और पार्टी में मुझे बोलने के अधिकार है वो तो आपने देख लिया कितनी बार मैंने बोला है और बोलने के बाद मैं पार्टी ने मेरी बात देरी से सुनी है तो इसमें भी मैं कहता हूँ पार्टी को कि इसमें इस लहर में मत बह जाइए मैं है? कहता हूँ कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक हफ्ता का टाइम है उसके पहले भी कर सकते हो एक मिनट में भी कर सकते हो परंतु कन्विंस हो जाओ कि ये, ये पर, पर, स्वामी जी है। स्वामी जी पर आप जो नंबर्स देख रहे हैं, ऑपोजिशन भी इस अमेंडमेंट के साथ खड़ा है आपको लगता है नहीं कि राज्यसभा में सरकार ये अमेंडमेंट पास करा लेगी ये स्थी तो, तो राज्यसभा में इनको हिम्मत है तो वो विरोध करेंगे वो तो वो भी सिर्फ आप अकेले विरोध करेंगे अपनी सरकार के विरोध करूंगा करेंगे ऐसे कितने लोग आपकी पार्टी में जो चाहते हैं क्या फर्क पड़ता है मैं तो पार्टी में फूट पाने का फूट है। है और क्या मैं बोलूंगा तो पार्टी में अनेक मेरी राय के हैं मैं जानता हूं क्योंकि जब मैंने गौहत्या पर बिल प्राइवेट मेंबर्स बिल दाई सरकार को मुझसे पूछना पड़ा कि विद्रॉ कर दीजिए नहीं तो हम मार जाएंगे तो एम मेरी राय में के साथ हैं मैं, मैं जानता हूं बट मैं ये कहता हूं कि मुझे राय व्यक्त करने के अधिकार है इस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है इनके पार्टी जैसे नहीं है कि उनको निकाल देंगे थोड़ा भी कुछ कह दें इटली के बारे आप में कह दें इटली के बारे भी बुरा कहेंगे तो हल्ला करते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि ऐसे विषयों पर सबको बोलने के अधिकार होनी चाहिए वोटिंग कुछ भी हो ठीक है मैं एक और टॉपिक को छेड़ना चाहता हूं क्योंकि बात राम पहले आप दूसरे टॉपिक पे जाए मैं इनसे एक बात और पूछना चाहता हूँ इन्हों इन्होंने कहा कि मेरे में बहुत आत्मविश्वास है हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है मैं पार्टी के खिलाफ भी अपनी राय व्यक्त करता हूँ <coughs> स्वामी जी राष्ट्र सुरक्षा के मामलों पे बड़े संवेदनशील रहते हैं इनकी सरकार ने जो माउंटेन स्ट्राइक कोर बनाई थी चीन की चुनौती जो है उसको रोकने के लिए उस माउंटेन स्ट्राइक कोर को स्क्रैप कर दिया सतासठ हज़ार करोड़ की लागत से 2013 में वो माउंटेन स्ट्राइक को और खड़ी की जानी थी उसके ऊपर काफ़ी सारा पैसा खर्च कर दिया गया था उसको स्क्रैप कर दिया है अभी ओ साहब कह रहे थे मुरली मनोहर जोशी जी जो इनके साथी हैं सहयोगी हैं एस्टिमेट्स कमेटी के चेयरमैन हैं पार्लियामेंट के उन्होंने ये कहा है कि इस सरकार के कार्यकाल में जो डिफेंस स्पेंडिंग है एज अ ऑफ जीडीपी, इट इज एट प्री 1962 लेवल्स पर आपने उस चीज का तो कभी विरोध नहीं किया नहीं मैं किसकी विरोध नहीं करूँगा मैंने तो जब डिफेंस कंसल्ट कमिटी में स्टैंडिंग कमेटी में था मैंने ही ये सवाल पहले उठाया था कि एलोकेशंस uh, जो हैं उसमें नौ प्रोजेक्ट्स थे जो अति आवश्यक आर्मी सोचती uh, मानती थी उस पर नहीं दिया अब हमारे भी पार्टी में भी ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो आपसे प्रभावित हैं और इसीलिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कटौती कर दी मैं क्या करूं आप ठीक करेंगे जहाँ नया फाइनेंस मिनिस्टर आने दीजिए सब ठीक हो जाएगा नहीं नहीं सर स्वामी साहब देखिए इसको तु, 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 आपका ये मानना है कि गलत है ना स ये, ये मानना ये है, जो तो लिया था वो गलत है। वनीश वनीश ये तो बोल देंगे ये तो जीएसटी पर भी बोल देते हैं ये तो और इश्यूज पर भी स्वामी जी बोल देते हैं पार्टी के अंदर क्या स्टैंड है ऐसे एक बात स्वामी साहब देखिये यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी या मेरा सवाल नहीं है अगर हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे लोस्ट हो चुका है डिफेंस एक्विजिशन में ये तो परेशानी की बात है ना देख टू टू फ्रंट वॉर के आप भी ख्याल है हम तमाम आँग खायल आँग है इंडियन ओशन में क्या हो रहा है आप जानते हैं फिर आप खामोश क्यों हैं मैं आप खामोश आप डरते क्यों मोटी से रोज आप आवाज क्यों नहीं उठा रहे आप? अरे क्यों डर रहे हैं आप मुझे अरे ये तो देश का मामला है ना सर, सर मुझे गुस्सा जितना जल्दी आपको आता है वो नहीं आता है मैं सर दिमाग आपके सोच ये? करके ही गुस्सा करते हैं सर दाढ़ी हटा तो मैं तुम्हारी सारी धर्म बदल दूंगा नहीं नहीं आप देखिए आप उर्दू नहीं जानते आप उर्दू अगर आप मेरे साथ बैठिए मैंने ये कहा कि हम अपने हूँ सुनिए सुनिए आपने दाढ़ी की बात की <laughs> मोदी को भी दाढ़ी है मैं ये कह रहा हूँ कि मैं मोहब्बत से क्या और सुनिए नहीं नहीं, नहीं, नहीं मैं मोहब्बत से इखलाक से इनको मुतासर करूंगा सर आप देश के मामले तो गुस्सा दिखाना पड़ेगा ना कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा सबसे कम हो गया मैं तो रोज दिखाता हूँ वो जो भ्रष्टाचार के लिए जो ऑफिसर्स के पीछे पड़ गए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैं ही बोल रहा हूँ कोई नहीं बोल रहा है और उनको बचाने में मैं लगा हूँ लोग अप्रिशिएट करते हैं मैं तो देखे अपनी ऊर्जा को सिर्फ बोलने के लिए नहीं होना चाहिए जैसे इनकी होती है बोल देते हैं राफेल के बारे में कुछ करते नहीं है नहीं, आपने, आ, आपने राफेल का रास्ता बता दिया है मनीष को हाँ, और मुझे पूरा यकीन है। नहीं करेंगे क्योंकि करेंगे करेंगे तो सोनिया गांधी और कारला ब्रूनी की जो पहली अग्रीमेंट थी वो आ जाएगा मनीष मनीष एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके पहले की समय खत्म हो एनआरसी का इशू आपको लगता है कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस के पीछे खड़ा होके गलती कर दी इस पूरे मामले में देखिए जहां तक एनआरसी एनआरसी का सवाल है अगर आप मेरे को थोड़ा सा वक्त देंगे कि एनआरसी का एक बड़ा लंबा इतिहास है ये सारा मामला शुरू हुआ था 1826 में जब असम और बंगाल का विलय किया गया था जब एक इंडस्ट्रियल स्केल पे वहाँ पे चाय की खेती होनी शुरू हुई चाय की खेती के साथ साथ वहाँ पे कच्चा तेल पाया गया तो वहाँ बाहर बह, से बहुत सारी लेबर लेके गए उसके बाद जब उन्नीस में भारत का विभाजन हुआ उस विभाजन में दो आ, सूबों का विभाजन हुआ था बंगाल का और पंजाब का बहुत से लोग आ, उस आ, तरफ से इधर आए फिर उसके बाद जब उन्नीस की लड़ाई हुई जब बांग्लादेश जो पूर्वी बंगाल है उसके ऊपर दमन किया गया जो पाकिस्तान की फौज थी उसके द्वारा बहुत सारे लोग यहाँ पे आए तो सवाल ये नहीं है कि आप फॉरेनर्स के साथ हैं कि नहीं सवाल ये है कि आप ठीक तरह से इसका मूल्यांकन कर लीजिए इसका चयन कर लीजिए कि कौन भारतीय है और कौन फॉरेनर है और जब आप उसको चेन कर लेंगे तो जरूर उसको उठा के बाहर कर दीजिए पर उसमें एक बहुत बुनियादी सवाल खड़ा होता है कि उसको लेने के लिए कौन तैयार है क्या बांग्लादेश क्या बांग्लादेश उनको वापस लेने के लिए तैयार है बांग्लादेश ने तो बयान दे दिया कि आपका अंदरूनी मामला है क्या नेपाल उनको वापस लेने के लिए तैयार है क्या भूटान उनको वापस लेने के लिए तैयार है क्या म्यांमार है तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का राज्यसभा के पटल पे ये कहना कि ये 40 लाख लोग घुसपैठिए हैं जबकि वो प्रक्रिया पूरी भी नहीं हुई थी ये सारी राज्य कह रहे हैं ये सारी राज्य वो घुसपैठिए नहीं है ऐसा है मैं क्लियरली पूछ रहा हूं आपसे घुसपैठिए हाँ, तो नहीं है ऐसा है मेरा यह मानना है कि प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए अच्छा। 28 अगस्त से आपके एप्लीकेशंस लेनी शुरू होंगी

मतलब नहीं नहीं मैं, मैं कह रहा हूँ कि जो जो भी किया हमने किसी एक आ, किसी को एक निशाना बना के नहीं किया है मैं कहता हूँ जैसे सुप्रीम कोर्ट में फैसला आती है और जिसके पक्ष में जाती है वो जय जयकार करके खुशियाँ मनाते हैं परंतु तो उसके बाद रिव्यू भी है उसके बाद और एक अपील भी, भी है, है।, है क्यूरेटिव पिटिशन भी है जिसमें पांच जजेस बैठेंगे तो ये नहीं कह सकते हैं कि आ, जब तक वो सारी चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी तो मतलब घुसपैठिया है ना नहीं नहीं घुसपैठिया है इसका रिव्यू होगी सितंबर में जो बात कर रहे हैं रिव्यू होगी रिव्यू में तो हर चीज पर रिव्यू होती है तो अभी जब तो रिव्यू, तो रिव्यू तो फैसला तो मैं, मैं कि राजनाथ सिंह एज ए मिनिस्टर राज्यसभा में लोकसभा में जब स्टेटमेंट दिए तो लफ्ज घुसपेटी क्यों ने इस्तेमाल किए उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया इस बात को सुनिए अब ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोजिशन है

अमित शाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो उनको आसान है कि पंद्रह लाख की के बजाय चालीस लाख बोल दो उनके लिए आसान है <laughs> अमित शाह ये भी जानते हैं कि अगर एनआरसी तिरुपुरा में बैठेगी तो क्या होगा अगर एनआरसी जम्मू में जाएगी तो फिर वो वेस्ट पाकिस्तान के लोग बैठे उनका क्या होगा पर ये एनआरसी तो, तो, तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरी है, है ना अमित शाह करा रहे हैं इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा ये तो कांग्रेस वक्त से चली आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने ये जो ओरल डायरेक्शन दिए लास्ट जो हियरिंग हुई थी जोर जबरदस्ती मत करिए और मनीष सही कह रहे हैं कि लोग अप्लाई करेंगे फॉरनर्स ट्रिब्यूनल को जाएंगे चालीस लाख है जिसमें से एक लाख के करीब तो गोरखा लोग हैं तो ये क्यों है आप लोग ये क्यों पेंट कर रहे हैं कि बीजेपी ने उन चालीस लाख को छोड़ दिया जो बीजेपी के वोटर नहीं थे नहीं अगर ऐसा होता तो अपने विधायकों को छोड़ दे बीजेपी यही चाह रही है कि इस पर अपनी सियासी रोटी सेके बीजेपी की कि बीजेपी की आप लोग देखिए आप मैं, लोगों ने शुरू किया मैं आसाम के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि वहां पर अभी भी अमन है और मुझे पूरा उम्मीद है एक लाख गोरखा के नाम नहीं है क्या करेंगे उनको आप सुमित ये कोई पहली एनआरसी नहीं है हाँ। उन्नीस सौ में पहली एनआरसी हुई थी उस एनआरसी में 80 लाख लोगों के नाम दर्ज किए गए थे और उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया चली है उन्नीस में असम अकॉर्ड साइन हुआ उसमें कुछ तारीखें हैं कि 1 जनवरी 1966 से पहले जो जो असम में बसे हुए हैं वो भारत के नागरिक होंगे एक जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच जो लोग आए हैं अगर उनको पाया गया कि वो बाहर के हैं तो सिर्फ 10 साल के लिए उनका वोट का अधिकार ले लिया जाएगा और 25 मार्च 1971 जो तारीख असम अकॉर्ड में मुक्र की गई थी उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उसकी सिग्निफिकेंस ये है कि 25 मार्च 1971 को याया खान ने पूर्वी बंगाल में दमन शुरू किया था जिसके कारण लाखों लोग आए थे तो हमारा तो ये बिल्कुल मानना है कि जिसको आप पाते हैं जो फॉरेनर है उसको आइडेंटिफाई करके जरूर रिपोर्ट कीजिए पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा होने दीजिए और उसके साथ साथ ये जरूर तय कर लीजिएगा कि वो आपने कई अंतरराष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किया हुआ है कि अगर आप किसी को डिपोर्ट करेंगे तो इस इस उसको भेजेंगे पे कहाँ पे क्या ये भी इस, क्या भी तय कर लीजिए इस, इस बात सहमति हो सकती है इस मंच पर तीन अलग अलग विचारधाराएं हैं कि जो 40 लाख लोग में से जितने लोग भी साबित होते हैं आने वाले वक्त में कि वो बांग्लादेश से आए हैं या हिंदुस्तानी नहीं है मैं तो घुसपैठी शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहता हूं उन लोगों के वोटिंग राइट्स ले लिए जाए दाना पानी हमारे यहाँ चले हम उनका शरणार्थी हाँ की तरह ख्याल करें वोटिंग राइट ले लिया जाए इसके लिए तैयार है? हाँ। है हमारा हाँ। स्टैंड बिल्कुल क्लियर है हमारा स्टैंड असम अकॉर्ड के हिसाब से है कि जो छियासठ और इकहत्तर के बीच में आए थे उनके दस साल तक आप वोटिंग राइट लीजिए जो उन्नीस सौ इकहत्तर के बाद आए हैं उनको आप निकाल बाहर कीजिए उसमें सिर्फ एक और अमेंडमेंट है अब एक और कैटेगरी है जो असम अकॉर्ड में शामिल नहीं है जो बच्चा पंद्रह अगस्त उन्नीस के बाद पैदा हुआ चाहे उसके मां बाप बाहर से आए हों आज उसकी उम्र बत्तीस साल होगी क्या आप उसको भारत का वासी मानेंगे या उसको फॉरेनर मानेंगे जिस, जिस जिस व्यक्ति ने बत्तीस साल सिर्फ इस देश को अपना घर माना है जो इस देश के अलावा किसी और को जानता नहीं है क्या क्या उसको आप फॉरेनर मानेंगे मानूंगा क्यों बताऊंगा क्यों? क्योंकि क्योंकि एनआरसी में भी एनआरसी में भी इसका जिक्र नहीं है मैं बताऊंगा क्यों क्यों क्योंकि 1947 में जब विभाजन हुई थी इस कारण से हुई थी कि जो मुसलमान हिंदुस्तान में नहीं रह सकता हिंदुओं के साथ उसके लिए अलग देश बनानी चाहिए जी जो डिबेट चली थी हाउस ऑफ कॉमन्स में उसमें कहा गया था कि हम एक मुस्लिम शासित देश पैदा करेंगे और जो शेष है वो हिंदू शासित हिंदुस्तान होगी उसमें अंबेडकर ने कहा कि पॉपुलेशन एक्सचेंज होनी चाहिए परंतु तो हमने कहा जो यहाँ रहने चाहते हैं वो रह सकते हैं अब जो छोड़कर चले गए पाकिस्तान भी मिल गया बांग्लादेश दो टुकड़ा तो हो गया दो अब बांग्लादेश भी है उसके बाद हमारी देश में वापस आएंगे तो या उस पाकिस्तान का एक टुकड़ा जमीन भी लेकर आना चाहिए नहीं तो नहीं आने देना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का स्टेटमेंट पढ़ लीजिए उन्होंने कहा कि उनको वोटिंग राइट बरकरार रहेंगे दूसरी बात इंग्लैंड में एक लाख इलीगल इंडियन से ले लीजिए ना गोद में अपने क्यों रोक रहे हैं आप ले लीजिए चकमा ने आप, आप प्राइम मिनिस्टर तो अरे, अरे अरे आप ले, 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 अरे ले आप अफ्रीका तो से लिया था सबको साहब सुनिए लेने तैयार नहीं है इंग्लैंड में जो इ, हमारे इंडियंस जो वहां के इलिगल करने दो आप लेने तैयार ही नहीं है स्वामी साहब स्वामी साहब स्वामी साहब सुनिए आप लेने तैयार नहीं है आप लेने अच्छा ट्रम्प आपके करीबी दोस्त हैं

असल हो रही है। दोनों तरफ पर हार चुकी है आप सिर्फ पंद्रह लाख की जगह चालीस लाख पुकारेंगे ये पुकारेंगे आप मैं 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 मंच को खोलना चाहूंगा बहुत से सवाल लेने की मेरे पास गुजारिश आ रही है मेरे साथी अनुराग हैं अनुराग